हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो च आप करांगे 10th क्लास का सैंपल पेपर जो अपन प्रोवाइड किया गया है मैथ्स का। ये सैंपल पेपर अपना पंजाबी मीडियम च है। इस वीडियो च मैं पंजाबी ते इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स लिए सम सॉल्व करूँगी। दैन मेरे को जो अवेलेबल है पंजाबी मीडियम च है, इनू मैं नाल दी नाल ट्रांसलेट करती रहूँगी। तो वीडियो नू एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट होने तो पहला चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स नाल जरूर शेयर कर दियो, ते लाइक कमेंट जरूर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट पार्ट का जो MCQs है। फर्स्ट MCQ है, एक वास्तविक संख्या ए बहुपद FX का सिफर कहाउंदी है जेकर। फॉलोइंग जे विच आप आंसर देना है, मीनस कोई नंबर ए रियल नंबर है वो किसी पॉलीनोमियल FX दी जीरो होगी। कदों जीरो होगी? जब आप एक्स के प्लेस से जो वैल्यू गिवन है, वैल्यू अपन कि नंबर कह रहे हैं ए, वो अपन उनके थानते रिप्लेस कर देंगे। एफ एक्स के प्लेस से रिप्लेस किया तो आ गया ए। जीरो कदों होगी, सिफर कदों होगी वो जे ए सारी वैल्यू जीरो आ जाती है। एक्स के प्लेस से ए फिल करन नाल अगर पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो आती है तो वो जीरो होंगी है। तो अपना एफ ए इक्वल टू जीरो करैक्ट ऑप्शन बन रहा है, मीनस सी ऑप्शन बन रहा है। नैक्सट है, जेकर पी एक अपाध संख्या है तो पी के स्केयर नूं भाग करती है, तो पी हेठ लिखिया विचों किस नूं भाग करती है? जे पी है पी प्राइम नंबर, अपाज मीनस प्राइम, प्राइम नंबर है, पी इज डिवाइडिंग डिवाइडिंग के स्क्वेयर, तो पी इन दे फॉलोइंग दे विचों किनू डिवाइड करेगी? जो भी कोई प्राइम नंबर होंदा है वो किसी नंबर दे स्क्वेयर नू डिवाइड करता है। कोई भी प्राइम नंबर लैके देख लो, 5 नंबर है, वह किसी नंबर दे स्क्वेयर नू डिवाइड करता है। किसी नंबर का स्क्वेयर आप ले लिया, लाइक 25 का स्क्वेयर ले लिया, आप 625 आ गया, 5 इन डिवाइड कर रहा है तो 525 नू भी डिवाइड करेगा। सेम कोई भी नंबर लैके चेक कर लियो, तो अगर कोई नंबर प्राइम नंबर किसी नंबर दे स्क्वेयर नू डिवाइड करता है तो वह प्राइम नंबर विदाउट स्केयर भी उन्हों डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अपना करेक्ट ऑप्शन की बन रहा है के। दो लगातार अपाद संख्यावां दा मास सवावा की हुंदा है? दो अपाज संख्यावां लैनी है, दो प्राइम नंबर्स लेने हैं जेडे के कंजैकटिव होन। कंजैकटिव मीनस रेगुलर नंबर्स। कोई भी दो रेगुलर प्राइम नंबर लाए, सपोज करो 2 एंड 3 लाए, इन्हों का HCF फाइंड करना है। HCF कितना होगा? 1। प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स मीनस कुछ भी कॉमन नहीं है, मीनस सिंगल 1 नंबर, 1 से डिविजिबल होंगे दोनों, तो HCF 1 हो गया। तो सी ऑप्शन इज करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट है, एक थैले विच 3 नीले 2 सफेद 4 लाल बंटे है, एक बंटा अचानक कढ़िया जाता है, तो किसी भी रंग दे बंटे नूं कढ़न दी वध तो वध संभावना की हो सकती है? इहदे च आपां नूं डिफरेंट कलर्स दित्ते है, ब्लू वाइट एंड रेड। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कोई भी रंग दा बंटा कढ़न दी। एक बंटा कढ़ना है तो अपने कोल पहले टोटल फाइंड कर लो किन्ने है। अच्छा, कोई भी रंग का कटना है, मैं टोटल हो गया, जो टोटल है टोटल कर लो, यदा 3 + 2 + 4 6 and 3 9, टोटल 9 है। 9 दे विच्चों कोई भी बंटा कटना, 9 चो कोई भी आ सकता है, 9/9 तो 1 आंसर आऊगा, कोई ना कोई तो निकलेगा ही, तो वध तो वध संभावना की होएगी? 1। अगे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल, एक दो घाती बहुपद है, दो घाती बहुपद मीन्स क्वाड्रेटिक, इंग्लिश कहते क्वाड्रेटिक। ये की है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए की चीज़ होंगी है? सी अपॉन ए देखो की होंगे,
इतने प्लस माइनस प्लस लगाओ, जो बी अपॉन ए होंगे माइनस बी अपॉन ए होंगे सम ऑफ जीरोज, सिफरां का जोड़, ते सी अपॉन ए होंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सिफरां का गुणनफल। तो हुण इहदे च सी अपॉन ए की है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सिफरां का गुणनफल। नैक्सट है सिक्स समीकरण दिती हैं, इन्हों का विलक्षण हल हो के का मुल फाइंड करो। विलक्षण हल मीनस यूनीक सोल्यूशन, यूनीक सोल्यूशन होवे तो आप किस वे नाल करना है? जो यूनीक सोल्यूशन होंगे तो अपने रेशोज की होंगे ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। फर्स्ट जो एक्स ते वाई है वेरीएबल्स, इन्हों दे रेशोज इक्वल नहीं होंगे, तो आप किवें लैनी है दी रेशोज? ए वन अपॉन ए टू करांगे, के आ गया अपॉन, इधर आ गया सिक्स अपॉन सिक्स, नॉट इक्वल टू बी वन, बी वन का कोफिशेंट है इतने देखो की कोफिशेंट है माइनस वन, माइनस वन अपॉन, यदा कोफिशेंट देखो की है माइनस टू। हम इन सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, के दी टू नाल कीती ते के दी वैल्यू आ गई माइनस वन अपॉन टू अपॉन माइनस टू मल्टीप्लाई सिक्स। आ सिक्स नूं आपां राइट साइड ते लै गए, माइनस नाल माइनस कैंसल, टू नाल सिक्स कैंसल, थ्री इंटू वन करो तो थ्री आंसर है। के इज़ नॉट इक्वल टू थ्री अपना करेक्ट ऑप्शन बन रहा है बी, क्योंकि यह यूनीक सोल्यूशन से नॉट इक्वल है तो इक्वल नहीं लेना, सेकेंड पार्ट लेना है, ध्यान रखना है। नैक्सट है रेखी समीकरण के जोड़े को अलखी विधि नाल हल करन ते जेकर रेखावां एक बिंदु ते कट्टन ते किस तरह का हल होवेगा? देखो जे आलेख बना रहे हैं आप, एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, आलेख हुंदा है ग्राफ, ग्राफ के उपर आप दो लाइनस जो इंटरसैक्ट करन, एक पॉइंट के उत्ते इंटरसैक्ट करन, एवें भी हो सकता है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ, इधर देखो एक पॉइंट के उत्ते इंटरसैक्ट कर गए, एक पॉइंट इंटरसैक्ट कर रहे हैं तो वह इंटरसैक्टिंग लाइनस है, इंटरसैक्टिंग लाइनस मीनस वन सोल्यूशन, एक हल। नैक्सट है घटना पी ई की संभावना, तो घटना ई की संभावना ई नहीं की संभावना कि बराबर है, दोनों का प्लस करके होंगे वन, पी ई भी लिख पी ई प्लस पी ई नॉट, पी ई नॉट नूं एवें भी रिप्रजेंट कर देंगे और ई नॉट भी लिख देंगे, तो ये टोटल किन्दे होंगे इक्वल वन, दोनों का सम वन होंगे। नाइन सम समीकरण के जोड़े दे विच हल करना है, इहदा हल दसना है भी कोई हल नहीं, विलक्षण हल, अनेक हल या दो हल, ये किवें फाइंड करना है? आपां रेशोज फाइंड करांगे ए वन अपॉन ए टू, तो इधरों रेशो की आऊगी एक्स दी कोफिशेंट्स वन अपॉन वन, फिर बी वन अपॉन बी टू कढ़ो, ये है ए भी वन अपॉन माइनस वन, देखो इनू अपन अलग नैक्सट करन की जरूरत नहीं है, ये वन आया ये माइनस वन आया, नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल मीनस यूनीक सोल्यूशन, यूनीक मीनस विलक्षण हल, विलक्षण हल भी लिखा हो सकता है एक हल भी लिखा हो सकता है, इतने विलक्षण हल है तो अपना आंसर हो गया विलक्षण हल। अगे टेंथ, एक सिक्के उछालन ते चित आने की संभावना एक वटा दो हुंदी है, तो दो रुपए के सिक्के उछालन ते चित आने की संभावना की होगी? एक रुपए का उछालो चाहे दो रुपए का उछालो, दो ही पासे होंगे हैड एंड टेल, हैड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो वन अपॉन टू, क्योंकि एको ही हैड है अपने को दो पासे है तो वन अपॉन टू हो गई यदि। नैक्सट इलेवंथ पाई की है? पाई एक परिमेय अपरिमेय पूर्ण संपूर्ण, यह है अपरिमेय इरैशनल, इरैशनल। नैक्सट है ट्वेल्थ रेखी बहुपद की घात, रेखी होंगे लीनियर, और डिग्री दसनी है, डिग्री की चीज़ होंगी मैक्सिमम पावर, सब तो वड्डी पावर कितनी होंगी है वन, रेखी दी वन। नैक्सट थर्टीनथ एक अपार संख्या के तीन या तीन तो वध गुणनखंड होंगे, अपार संख्या के सिर्फ दो ही गुणनखंड होंगे है, प्राइम के सिर्फ टू ही फैक्टर होंगे है, वन
एंड नंबर इटसेल्फ, नंबर खुद, तो दो ही फैक्टर होंगे तो ये रोंग है, ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्या है, एक पासे नूं सुट्टण दे अभार संख्या प्राप्त होण दी संभावना। पासा की हुंदा, एक डाइस है, लूडो दी जीटी है, उहदे ते 1 2 लैके 6 तक लिखिया हुंदा है। तो अभार संख्या प्राइम नंबरस केड़े केड़े है, 2 3 एंड 5। 3 नंबरस अपॉन टोटल पार्ट टोटल हुंदे है, 6 फेसिस हुंदे है, तो 6 हो गया टोटल चांसिस, तो कैंसल करके आ गया 1/2, तो ये सही है, ट्रू। नेक्स्ट है, किसी दो घाती बहुपद के सिर 3 सिफर हो सकते हैं। देखो दो घाती होंगी है क्वाड्रेटिक, दो घाती के दो ही बहुपद होने, दो ही सिफर होनी है, दो घाती के दो ही सिफर होनी है, 3 नहीं हो सकती, क्वाड्रेटिक दी दो ही होंगी है, तो ये रोंग है, फॉल्स। 2, -1 रेखी समीकरण का एक हल है, चेक करना है भी यह हल है कि नहीं है। एक्स एक्स होंगे वाई होंगे, तो एक्स की वैल्यू 2 फिल करनी है, वाई की -1 फिल करनी है, फिल करो 2 (2, -3, -1) = 1, 2 × 2 = 4, -(-)+3) = 1। लेफ्ट साइड में सॉल्व करना है, 7 = 1, नहीं आ रहे इक्वल तो नहीं है, तो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ये आप अभाज गुणनफल के रूप में क्या है 5000 के फैक्टर बनाने हैं, अभाज मीनस प्राइम, 5 के टेबल पर 1001। हूँ देखो कि टेबल पर जा रहे हैं, सैवन के टेबल पर, 7 1s & 3 7 4s & 7 3s, 11 के टेबल पर, 13, फिर 13 के टेबल पर 1, तो यह आ गया 5 × 7 × 11 × 13, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए अभाज्य गुणनफल। नेक्स्ट है, दो घाती बहुपद पता करो जेकर सिफरां दा जोड़ ते गुणनफल 4 ते 1 होवे। इहदा फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल किवें बनाउणा है, x²-SX+P, सिफरां दा जोड़ एस हुंदा है, सम ऑफ जीरोज 4, पी प्रोडक्ट, गुणनफल 1, तो इहदे च पुट कर देना है x²-S, S किन्ना 4, x + p product 1, तो एक इक्वेशन आ गई थोड़ी, x²-4x+1 क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। नेक्स्ट 19th, केंद्र एक टीम कोच है, उन्हें 3900 रुपये 3 बल्ले 6 गेंदा खरीदिया, बाद विच एक होर बल्ला अते उस दिया उस तरह ने 3 गेंदा 1300 रुपये खरीदिया, इसनों बीज गणितिक रूप में दर्शाओ। तो आप सपोज करना है जो बल्ले है, बैट्स है, बैट्स और बल्ले, इन्हों का मुल 1 का, मैं दोनों लैंग्वेज लिख रही हूँ, थोनों पहला मैं लिख रही हूँ पंजाबी, 1 बल्ले का मुल सपोज कर लो एक्स, प्राइस ऑफ 1 1 बैट, फिर सपोज करो 1 गेंद का मुल, वाई, 1 गेंद लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 बॉल, एक्स से वाई ले लिया, तो हूँ अगे देखो इनू नोट कर लियो, मैं रेज करन लगी हूँ, बल्ले ले है 3, तो बैट्स का सीगा एक्स, तो 3 × x हो गया, बॉल्स का अपना रेट सीगा वाई, तो 6 × y हो गया, दोनों प्लस किया, टोटल किन्ने रुपये लगे अपने 3900। फिर उन्होंने क्या है, एक होर बल्ला लिया, बल्ले का सीगा एक्स, गेंदा का सी वाई, तो एक्स प्लस 3 × y,
तीन है तो टोटल 1300 रुपये। बीजगणितक रूप च आ गया, अगे हल करन नूं नहीं किया तो यही आंसर है अपना। नेक्स्ट 20th, एक सलेटी पासे अते एक लाल पासे नूं इकट्ठा सुट्टिया जांदा है, इस दी की संभावना है कि दोनों पासियां दे संख्यावां दा जोड़ 8 है। अठ बनाउणा है जिहड़ा अपनी डाइस दे उत्ते, अठ किवें बनदा है अपना, एक तो लैके 6 तक लिखिया हुंदा दोनों पासे, ठीक है। पहले नंबर ते आपां लैणे 2, दूसरे ते की आऊगा 8 बनाउण लई 6 होना चाहिए, फिर 3 लो 3 नाल 5 आवे तां 8 बनेगा, 4 लो 4 नाल 4 लो 8, इहनां दे इक रिवर्स कर लो हुण 6,2 5,3 4 नाल 4 हो गया, ते किन्ने बन गए पेयर 3 4 ते 5 पेयर, तां 5 अपॉन टोटल किन्ने होणगे इह 6 × 6 36, 5/36 बन गया, ठीक है। तो 6 एक दे है 6 दूजे दे है तो 36 बन जाने टोटल केस, थल्ले नीचे 36 रखना है, 5/36 आंसर आ गया थोड़ा। नेक्स्ट है 52 पत्तियां की ताश नूं चंगी तरह फेंटिया गया है, उहदे च एक पत्ता कढ़िया जिहड़ा तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाले पत्ते जिहड़े हुंदे है फेस कार्ड, फेस कार्ड किन्ने हुंदे है 12 हुंदे है, याद रखना है। किंग क्वीन एंड जैक हरेक दे 4 4 4, फेस कार्ड 12 है तो 12/52 तस्वीर वाले पत्ते हो गए 12/52, कट लो इन्हों 6 × 12 4 × 3/13 आंसर आ गया थोड़ा 21st क्वेश्चन का। नेक्स्ट है इनू एच सी एफ करना यूक्लिड डिवीजन लैमा के नाल, इन डिवाइड करोगे पहला 225 ते 135 नू 09, हुण 90 बाहर रखोगे 135 अंदर, इनू किता डिवाइड एक ते गया 90, 5 ते 4 45 बाहर 90 अंदर, 45 × 90 पूरा वंडिया गया तो एच सी एफ आ गया थोड़ा 45। हुण इहनू लिखना किवें है, यूक्लिड डिवीजन लैमा की हुंदा है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमेंडर, जो अंदर वाला यह हुंदा भाजक भाज भागफल ते बाकी। पहला लिखांगे 225, फिर अब जिंदे नाल डिवाइड किया 135 गुणा कोशन जिहड़ा भी नाल पा करके आया एक, वेट मैं थोड़ा कलर चेंज कर दा, 135 × 1 प्लस रिमाइंडर जिहड़ा बाकी आया सीगा 90, ये लिख लिया। हुण अगली लाइन वाला, हुण किन्ने नाल पा किया 135 बराबर किन्ने नाल किया 90 नाल, गुणा किन्ना आया सी 1 प्लस जो बाकी आया 45। लास्ट स्टेप दे विच जोड़ा 90 अंदर है वो लिखो, इक्वल किदे नाल पा किता 45 नाल, गुणा पा करके किन्ना आया 2 प्लस बाकी 0, तो एच सी एफ किन्ना आ गया अपना मम्मा सस्सा वावा लास्ट डिवाइजर 45 जिदे नाल लास्ट ते वंडिया। एक्सक्यूज मी, दो काती बहुपद दे सिफर पता करो, सिफर किवें कढ़ने आप, एट ते फस्ट पॉलि जिहड़ा हैगा टर्म दा कॉन्सटेंट टर्म लैनी है उहदे नाल मल्टीप्लाई करो 8 × 1 8, 8 दे फैक्टर इहो जिहे बनाउणे आ प्लस माइनस करके 2 बने, 8 दे फैक्टर बनणगे 4 × 2 = 8, इन्हां नूं माइनस करके 2 बन रहा है तो अपने हो गए एक्स स्क्वेयर। देखो अपन माइनस का 2 चाहिए, आप ये अगे माइनस लगावे ये अगे प्लस लगावे, −4x + 2x − 8 इन्हां चो कॉमन कढ़ो, फिर इन्हां चो कॉमन कढ़ो, कॉमन कढ़िया एक्स एक्स माइनस 4, इन्हां दोनों चो कॉमन कढ़िया 2 एक्स माइनस 4,
तो अपने फैक्टर हो गए एक्स माइनस फोर ते एक्स प्लस टू, ये दो हो गए। पर इन्होंने क्या है, जीरोज कढ़ो, तो इन्होंने इक्वल टू जीरो करना है, फिर करना है एक्स माइनस फोर तो एक्स प्लस टू, ये याद रखियो मैनू रेज करन लगी हैं, एक्स माइनस फोर तो एक्स प्लस टू। हूँ इन जीरोज़ किमें कढ़नी है, इनू इक्वल टू जीरो रखो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फोर, इनू भी रखो इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस टू। ये दोनों जीरोज़ है, फोर तो माइनस टू, ये आंसर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वन अपॉन ए टू बी वन ओवर बी टू सी वन ओवर सी टू नू कंपेयर करके की करना है, संगत या असंगत, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इंग्लिश कहते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ए वन अपॉन ए टू कढ़ो पहला, थ्री अपॉन टू, फिर बी वन अपॉन बी टू कढ़ो, ये हैगा प्लस टू अपॉन माइनस थ्री, सी वन अपॉन सी टू कढ़ो, ये हैगा फाइव अपॉन सैवन। हम देखो फर्स्ट ही नॉट इक्वल है, ये दोनों आपस इक्वल नहीं है। जे फर्स्ट केस नॉट इक्वल होन तो की होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे, नॉट इक्वल होन यूनिक सोल्यूशन, विलक्षण हल, यूनिक विलक्षण या एक हल, जो विलक्षण एक हल निकल आए या मैनी सोल्यूशन निकल आए फिर तो होंगे कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। हूँ ये संगत है, कंसिस्टेंट है। अगे आप आज गुणखंड विधि नाल 8, 9 ते 25 का एलसीएम कढ़ो। गुणखंड विधि है 8 दे फैक्टर बनाओ, 2, 4 अगेन 2, फिर 9 दे बनाओ, 3 ते गया 3 ते 1, फिर 25 दे बनाओ, 5 ते 5। हुण इन्होंने एलसीएम कढ़न नूं क्या है, ये सारे नोट कर लियो अपनी कॉपी ते, मैं रेज कीता है। तो पहले दे फैक्टर आ गए 2 × 2 × 2 8 दे, फिर आ गए 9 दे 3 × 3, फिर 25 दे 5 × 5। तो एलसीएम की करते हैं, जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है फैक्टर वो लेने होंगे है। तो 2 देखो ये 3 टाइम्स है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो आप 3 टाइम्स लवेंगे, जो मैक्सिमम टाइम्स आते उ लेने आप। 3 ट्वाइस है, ये भी है नहीं, ये भी है नहीं, आप ट्वाइस लिखा। 5 मैक्सिमम टाइम्स 2 टाइम है, तो आप 2 टाइम्स लिखा। तो एलसीएम लिए ये मल्टीप्लाई करो, 6 6 3 18 एंड 00 1800 आंसर आ गया यदा। अगे डिवाइड करना है, 2x² प्लस 3x प्लस 1, एक्स प्लस 2 नाल डिवाइड करना है। देखो पहला नंबर देखो रे की है, 2 है, इत्थे 2 है, तो इनू 2 किवें बना सकते हैं, पर 2 नाल मल्टीप्लाई करके x² है, अपने कोल सिंगल x है, एक होर x चाहिए, तो अपना 2x² आ गया। तो 2x नू नैक्सट नंबर नाल मल्टीप्लाई करो 2 नाल, 2 × 2 = 4x, तो ये नीचे आ जूगा 4x, साइन चेंज करो, ये कैंसल हो गया, इन्हों माइनस करो, माइनस करके आ गया -x + 1। हूँ अपने कोल की है, उरे x है, x नाल x मैच कर रहा है, पर साइन माइनस चाहिए, आप -1 नाल मल्टीप्लाई करांगे, सॉरी इतने आ गया -x, -1 नू 2 नाल भी करो, -2, इतने साइन चेंज करो, कैंसल, तो इधर आ गया 2 + 1 = 3 रिमेंडर, ये होगी डिवीजन अपनी। नेक्स्ट है समीकरण जोड़े नूं प्रस्थापन विधि राही हल करो। नेक्स्ट है सब्सटीट्यूट मैथड। सब्सटीट्यूशन मैथड की होंगे, प्रस्थापन विधि, एक चो एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू कढ़ो, दूसरे च फिल करो। तो आप एक चो वैल्यू कढ़ांगे,
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 है, जो आप एक्स की वैल्यू कर रहे हैं 14 माइनस वाई, ये वैल्यू आप सैकेंड इक्वेजन भरेंगे एक्स की थान पर की करेंगे 14 माइनस वाई अगे की है माइनस वाई इक्वल टू 4। 14 वाई माइनस वाई किन्ने हो गए 2y हो गए इक्वल टू 4। 14 नू राइट साइड पर ले जाओ, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, माइनस 2y इक्वल टू मैंने माइनस किया माइनस 10 आ गया, माइनस नाल माइनस कैंसल, y इक्वल टू 10 अपॉन 2 आ गया 5। ये आ गई y दी वैल्यू, y दी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन फिल कर दो, x प्लस 5 इक्वल टू 14, तो x आ गया 14 माइनस 5 मीनस 9, एक्स आ गया 9, तो दोनों वैल्यूज आप कर लिया एक्स 9 तो वाई 5। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, ये की है अपन बॉल्स दती हैं रेड तो ब्लैक, इन एक बॉल कड़ी है दसनी है भी रेड गे दोगी लाल होगी, हूँ ये सब तो पहला लिखो रेड लाल किनी है 3, ब्लैक 5, लाल ते कालियां, टोटल कढ़ो इन्हों का कुल करो, ये हो गए 8। हम प्रोबेबिलिटी कि दी कही इन्होंने लाल दी, लाल कितनी है अपने को 3, तीन दे नीचे केड़े लाने टोटल, टोटल नीचे रखना है 3/8, ये अपना आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, दैन कॉपी तो सॉल्व करके देख लियो, तो कमेंट्स अपने ज़रूर लिखियो अपना नाम अपने व्यूज़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।